देख पाती है वो एक कलाकार की आंखें देख लेती हैं। हम जो नहीं सोच पाते हैं वो एक कलाकार सहज ही सोचकर अपने काम के जरिए कुछ ऐसा क्रिएशन कर डालते हैं कि जिसे देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये जो हमारे सामने सजावट की चीजें आप देख रहे हैं ये भी एक किसी कलाकार की ही क्रिएशन का ही नतीजा है। ये सारी चीजें अखबार से बनाई गई हैं जिन्हें हम रद्दी समझकर फेंक देते हैं, लेकिन देखिए एक कलाकार इन्हीं रद्दी में से कितनी अच्छी चीजें बना लिए हैं ये आप देख रहे हैं। आपका इंतजार खत्म करती हूँ और मिलवाती हूँ उन्हीं से जिन्होंने ये सारी चीजें बनाई है। हमारे साथ है राकेश पॉल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि मैंने पहले ही अपने दर्शकों को बताया कि ये सारी चीजें अखबार से बनाई गई है, तो आप हमें बताएं कि ये चीजें अखबार से बनाई गई है तो इनकी बनाने का प्रोसेस क्या है? जी, जब हम रांची शहर में जब हम लोग ने स्टार्ट किया एक संस्था या स्टार्ट किया तो हमारा मेन उद्देश्य था कि किस प्रकार से जो है रांची में जॉब क्रिएशन किया जाए। और हमने सोचा कि कुछ काम करने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन एक चीज़ जो हमारे पास फ्री में रहता आता है हमेशा जो हमारे पास रहती है वो है हमारे अखबार। और हमने उसी अखबार से जो है डिस्कवर किया कि किस तरह से जो है हम लोग एक अच्छी अच्छी चीज़ बनाकर लोगों को सिखा सकते हैं ताकि उनके द्वारा जो है लोग पैसे कमा सके। और जो है रांची शहर में ये जरूरत है बहुत लोगों को। एक सिंपल सा अखबार है और उसको जो है पहले जो है पहला स्टेज ये है कि हमने इस प्रकार से काटा और उसे जो है ये जो है स्टिक है, स्टिक से जो है हम लोग उसको सबसे पहले रोल करते हैं। रोल करने के बाद जो है आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि ये रोल कैसे किया जाता है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कि ये रोल कैसे किया जाता है। आप जो है इस तरह से आप पहले मोड़ते हैं स्टिक पे और देख रहे हैं धीरे धीरे जो है ये रोल होता जा रहा है। तो इसी प्रकार से रोल करने के बाद जो है इस तरह का स्टिक तैयार होता है। एक बार ये स्टिक तैयार होने के बाद हम लोग इसको जो है अलग अलग प्रकार से गूंदते हैं। मान लीजिए कि आपको ये बनाना है, एक फूलदानी है, तो इसमें तो आप इस तरह बना दिए और इसको जो है इस प्रकार से रोल करके जो ये आपको डिपेंड करना है कि सबसे पहले उसी से आप बनाना है। ज्वेलरी बॉक्स है ये हमारे पास और ये जो है पहले हमने जिस प्रकार मैंने बताया था कि पहले हमने स्टिक तैयार किया। स्टिक तैयार करने के बाद जो है उसको इस प्रकार का एक बॉक्स का शेप दिया और शेप देने के बाद जो है उसको अलग प्रकार से जो हम लोग कलर करते हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूँ कि एक जो है अभी ये रॉ है, ये तैयार नहीं है और इसको जो है हमने अलग अलग प्रकार से डिजाइन किया और वो स्टिक को ही थोड़ा सा जो है चपटा करके हमने इसको मोड़ा और मोड़ के जो है एक उसका शेप दिया। आप पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो स्टिक को हमने मोड़ा हुआ है। और उसके बाद जो है उसका नेक्स्ट जो प्रोसेस है कि उसको हम लोग पेंटिंग करते हैं। तो अब ये देख सकते हैं इसमें अभी आधा पेंट हुआ है और इसके बाद जो है इसको हम लोग पूरा पेंट करके अलग अलग प्रकार से ये डिजाइन करते हैं कि कौन इसको बना रहे हैं। हमारे पास अलग अलग लोग हैं जो अलग, कुछ लोग बॉक्स बनाते हैं, कुछ लोग जो है फूलदानी बनाते हैं। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि आपके पास ये एक चीज है, ये है टेबल में जो है टी मैट जो होता है और या आप उसको पेपर मैट या टी मैट के रूप में यूज कर सकते हैं। आप टेबल में उसको रख के उसके ऊपर चाय का कप रख सकते हैं, ग्लास रख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँ कि बहुत अलग अलग चीज जो हम बना रहे हैं। ये बास्केट है, ये फ्रूट बास्केट जो है आप देख सकते हैं इसको जो वही पेपर बेस्ड जो हमने तैयार किया था, जो स्टिक हमने बनाया था हाँ उसी को गूंथा गया, उसको गूंथ के जो है हम लोग इस पर तैयार किए और एक अच्छा से इसको पेंटिंग किया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रोक के एक चीज पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने गूंथा इसे तो फिर ये जो हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे ये क्या ग्लू लगाना पड़ता है या कुछ भी मतलब चिपकाने के लिए, इसे तो चिपकाना तो पड़ेगा ही, तो कैसे आपको मतलब वो प्रोसेस हमारे दर्शकों को बताया ताकि वो भी लाभान्वित हो सके? चिपकाने के लिए ग्लू तो लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपको सही अभी सारा प्रोसेस मैं नहीं बता सकता हूँ, इसलिए क्योंकि ये जो है एक यूनिक चीज है जो हम लोग बना रहे हैं तो मैं सारा कुछ तो डिस्कवर नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग जो इसको गूंथते हैं, गूंथने के बाद जो उसको एक शेप दिया जाता है और शेप देने के बाद उसको जो है हम लोग जो है जो डिजाइनर है वो डिजाइन करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति सारा कुछ करता है, एक डिजाइनर है उसने डिजाइन तैयार किया और कुछ बनाने वाले हैं, कुछ गूंथने वाले हैं और कुछ जो पेंटिंग करने वाले हैं। तो अलग अलग लोग जो है अपना दिमाग लगाकर एक चीज तैयार करते हैं। तो मान लीजिए ये बास्केट, ये फ्रूट बास्केट, इसको बनाने के लिए कम से कम 6 to 8 hours, 6 से 8 घंटा लग जाता है। तो उसी प्रकार से हमारा और भी मटेरियल से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बास्केट है और हाँ इसको आप लेकर जो है जा सकते हैं। हो सकता है कि आप इसमें फ्रूट्स रख सकते हैं, आप बहुत सी जो है एक डिजाइनिंग के लिए पूजा के लिए फूल ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास यहाँ पर ये चीज जो है ये बिल्कुल यूनिक चीज है, इसके अंदर जो है
दो बोतल है जिस बोतल को हम लोग फेंक देते हैं, प्लास्टिक की बोतल है इसमें ये नहीं, जिसका हम कोई यूज नहीं करते हैं, तो ये बोतल जो है ये आप रख सकते हैं एक सजावट के रूप में अपने घर में किसी कॉर्नर में रख सकते हैं सजावट के लिए। और इसमें अभी भी काम बाकी है, अभी हम लोग ने स्टार्ट किया है इसमें सजाने के लिए। और इस प्रकार से इसमें दो बोतल है, इस प्रकार से हम लोग तीन बोतल चार बोतल से अलग अलग चीज बनाते हैं। तो जैसा कि आपने बोला कि मैं अभी सीक्रेट अपना तो नहीं बता सकता हूँ, चलिए मैं अभी आपसे सीक्रेट नहीं पूछूंगी, लेकिन इतना तो पूछूंगी कि ये आइडिया आपको कहाँ से मिला। जी जरूर मैं बताऊंगा कि आइडिया कहाँ से मिला। ये जो मैं खालगड़ा बस स्टैंड में रहता हूँ और वहां पर देखा कि बहुत सारा कचरा ऐसे भी फेंका रहता है, तो जब भी मैं मेरी वाइफ हम लोग वहां से गुजरते थे तो सोचते थे कि जो वेस्ट चीज है उससे क्यों ना कुछ बनाया जाए जिसके द्वारा जो है जिसको हम इस्तेमाल कर सके, जिसमें हमें कम लागत लगे और उसमें ज्यादा प्रॉफिट हो। तो सबसे पहला चीज हमारे दिमाग में आया प्लास्टिक की बोतलें या न्यूज़पेपर जो सबके घर में पाया जाता है जिसके लिए ज्यादा दाम चुकाया नहीं जाता है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने सीखा जो है दूसरे लोगों से, विदेशों में एक्चुअली लोग जो है उनसे सीखा हमने कि किस प्रकार से हम लोग ये तैयार कर सकते हैं। तो उसी जो है आइडिया को हम लोगों ने डेवलप किया यहाँ पर, और हमारे पास अभी रांची शहर में बहुत सारे लोग आते हैं जो सीखते हैं और सीखने के बाद वो मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको जो हम लोग बेच कर जो है उनको पैसा देते हैं जिससे वो अपने घर चला सकते हैं। अब देख सकते हैं कि ये जो है एक ये चीज है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये है टेबल मैट है। आप जैसे टेबल में है 6 पीस का ये मैट है तैयार होता है और ये उससे आप रख सकते हैं। और ये सारा प्रोडक्ट जो है इको फ्रेंडली है, आप ऐसा नहीं क्योंकि नुकसान नहीं पहुंचा रहा केमिकल नहीं। विदेशों में तो इसकी बहुत डिमांड है और इसको जो है काफी इसकी डिमांड है। तो हम लोग तैयार कर रहे हैं एक प्रकार से एक हम लोग मार्केट तैयार कर रहे हैं कि भारत में भी एक प्रकार से मार्केट तैयार हो इको फ्रेंडली चीजों का। तो जैसे कि आपने बोला कि विदेशों में भी आपके सामान जाती है, तो जैसे आप अपनी मैं यहाँ देख रही हूँ कि कितने सारे आपने यहाँ लोग भी काम कर रहे हैं और इतनी सारी चीजें रखी हैं, तो आप जो सामान बनाते हैं उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? जी हमारी कोशिश तो रहती है कि हम भारतवर्ष में इसको बेच सके, क्योंकि लोग इतना अवेयर नहीं है कि इको फ्रेंडली सामान अभी खरीदे। तो कई बार होता है कि चाइना से जो सस्ता सस्ता सामान आया उसको खरीद लिया लेकिन वो टिकाऊ नहीं होता, लेकिन विदेशों में लोग जो है क्वालिटी देखते हैं और लोग देखते हैं कि इको फ्रेंडली सामान है जो कि हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो हमारी कोशिश है कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अमेरिका, लंदन, इन चारों देशों में हम लोग जो है अपने सामान भेज सके और लोगों को जो है वेबसाइट के द्वारा हम लोग आकर्षित कर रहे हैं और हम लोगों ने सैंपल भी भेजा है। तो आने वाले दिनों में जरूर जो है यहाँ से सामान एक्सपोर्ट किया जाएगा और बहुत सारे एनजीओस हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से आप हमें सिखा सकते हैं। तो हम लोग उसके ट्राई भी कर रहे हैं, वर्कशॉप भी देते हैं कई जगहों में, हमने दिया है कि कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पूरे झारखंड में और पूरे भारतवर्ष में इसको हम फैला सके। लेकिन उसका जो है सबसे अच्छी बात है कि स्टार्टिंग जो है रांची शहर में होकर जो पूरे भारत में और विदेशों में फैलने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी रांची से ही ये सारे सामान बाहर जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा सुनकर भी ये लगा। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी को ये बिजनेस शुरू करना है तो उसमें तो मुझे नहीं लगती कि बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत है, तो लेकिन फिर भी आपने जब शुरुआत की तो किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ी हमारे दर्शकों को बताएं? मैं आपको कहना चाहूँ कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। आप अगर कुछ बिजनेस को आप जो है शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले होता है आपका विल पावर होना चाहिए, आपका कमिटमेंट होना चाहिए। आप एक सिंपल सा न्यूज़पेपर देखते हैं लेकिन कोई कलाकार उससे एक बास्केट देखता है, तो उस प्रकार का इमेजिनेशन होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए, आप जो है लगन होना चाहिए। तो इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आप जो है थोड़ा सा क्रिएटिव है, आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं। एंड फॉर मी मैं सोचता था कि जो एक व्यक्ति कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है, तो मैंने विदेशों में ये चीज देखा था तो मैंने सोचा कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर कोई सीखना चाहे तो हम उनको सिखाते हैं और वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपने कई हाथों को रोजगार दिया है, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील होता है। मैं एक व्यक्तिगत रूप से जो है मैं जीसस क्राइस्ट के पीछे चलता हूँ, उसके वचन में बाइबल जो है उसमें लिखा हुआ है कि यदि तुम जो है जिसको हमेशा देखते हो उसको प्यार नहीं कर सकते, उसके लिए अच्छा नहीं कर सकते, तो जिस भगवान को जिसको तुमने देखा नहीं उसको प्यार कैसे कर सकते हो। तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं है, तो यदि मैं उनके लिए अच्छा नहीं कर सकता तो उस भगवान को जिसके हमने देखा नहीं उसकी पूजा करें तो क्या फायदा। तो ये मेरे लिए बहुत सेटिस्फेक्शन है और जो मेरे रिलीजियस बिलीफ के अनुसार मैं ये कर रहा हूँ।
ये तो बहुत ही अच्छी, आपके विचार भी बहुत अच्छे, जैसे आपके सामान अच्छे हैं वैसे विचार भी बहुत अच्छे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आप हमारे दर्शकों को जो अगर रोजगार शुरू करना चाहे तो उनके लिए अगर कुछ आप टिप्स देना चाहें तो बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले बात तो है कि आप इस बात को समझ ले कि आप कर सकते हैं, जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा कर सकता है। पहली बात तो ये है, अपने आप पर भरोसा रखिए, और जो यदि आपसे जो कुछ संभव है यदि आप उसे करें, तो जो कुछ आपसे असंभव है उसे आपका बनाने वाला जो सृष्टि करता है वो करेगा। तो आपको विश्वास होना चाहिए हम कर सकते हैं। करने के बाद जो है आप एक योजना बनाइए, और उस योजना को फुलफिल करने के लिए आप जो है आप देखिए कि आप कैसे, आप में क्या क्षमता है, क्या कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि कोई मान लीजिए इसे सीखना चाहता है इस प्रकार की बातों को, तो चूंकि हम कर रहे हैं तो उनको री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास आ सकते हैं, गुड न्यूज सेंटर के पास आ सकते हैं, और हमारे पास आ सकते हैं और हमसे सीख सकते हैं, और हम पूरी मदद करेंगे कि वो भी इस प्रकार की योजना को स्टार्ट करें। पैसे मिलते हैं, उनके बच्चे स्टडी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से यहाँ पे ये कुर्ती वगैरह बन रहा है, उसी प्रकार से जो है ये आप देख सकते हैं कि ये जो है एक ब्रासलेट जो तैयार किया जा रहा है, ये आजकल गर्ल्स के लिए तो काफी फैशन है, अभी पूरा तैयार नहीं है। ये जो है जींस का कपड़ा है जो बड़े बड़े फैक्ट्री में फेंक दिया जाता है, जो कपड़ा बचा उसी को हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो उसी में से मेरे पास कुछ तैयार मटेरियल्स है जो मैं आपको दिखाना चाहूँ कि ये सब जो है ब्रासलेट जो है ये बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो जींस के टुकड़ों से आपने ब्रासलेट तैयार, हाँ जी, जो जींस के टुकड़े जो है जो बर्बाद है, जो कुछ काम के नहीं है तो जिसे फेंक दिया जाता है, तो हम लोग जाते हैं फैक्ट्रीज में, वहां से कपड़े उठा लिए, कई बार तो अपने पुराने जींस को हम लोग काट कर उसी से बना लेते हैं। और एक जो है ये जो है कम से कम 150 से 200 रुपए में बिक जाता है, मतलब ये टुकड़ों की कीमत इतनी हो जाती है। जी, इसलिए मैंने जैसे पहले बताया कि कोई तो उसको देख रहा हो कि ये जींस का टुकड़ा है इसको कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसमें 150 रुपया है और कैसे हम इससे पैसे भी कमा सकते हैं।